अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है लिस्ट। लिस्ट इन पाइथन डेटा स्ट्रक्चर के टपल हमने पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट, ठीक, लिस्ट जो है ना एक ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है टपल की तरह। ऑर्डर कलेक्शन मीन्स यानी जब हम कोई लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो वो एक सीरीज़ के अंदर प्रिंट होगा, सीरीज़ के अंदर वो होता है ऑर्डर कलेक्शन, ठीक। और ये इनक्लोज होता है, ये बड़े ब्रैकेट जिसे कहते हैं, ये वाले ब्रैकेट के अंदर लिस्ट, लिस्ट जो है ना इसके अंदर इनक्लोज होते हैं। और लिस्ट जो है ना म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स जब आपने एक लिस्ट बना ली उसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं बाद में भी, यानी अपेंड करना हो, पॉप करना हो, इंसर्ट करना हो कोई एलिमेंट, रिवर्स करना हो, सॉर्टिंग करना हो, ठीक है, चेंजिंग बाद में आप कर सकते हैं। लेकिन टपल क्या था, इम्यूटेबल था, यानी टपल के अंदर एक बार आपने बना लिया वो दोबारा चेंज नहीं हो सकते, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव ए लिस्ट L1, एक लिस्ट है L1 जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1, फॉर एग्जांपल ए, 2 एंड बी, 3 etc, ठीक। ये हमारे पास एक सक्सेसफुली लिस्ट बन चुका है, ठीक हो गया। अब अगर हम एक्सट्रैक्ट करें करना चाहे, मिसाल के तौर पर यहाँ इस लिस्ट में मैं इंडेक्स नंबर 1 के एलिमेंट, इंडेक्स नंबर 0 के एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट को मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, अगर चाहूँ तो क्या कैसे करेंगे एक्सट्रैक्ट। लिस्ट का नाम लिखो और ये वाली ब्रैकेट इंडेक्स नंबर, जिस इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो इंडेक्स नंबर लिखो इधर, ठीक हो गया, प्रिंट कर दो। तो इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू थी, 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 1। अगर लास्ट एलिमेंट को अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे तो क्या होगा, लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होती है, -1, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या था, एलिमेंट 3 था, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 3, ठीक है। मॉडिफाइंग ए लिस्ट, मॉडिफाइंग ए लिस्ट, ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन जो है लिस्ट के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है पहले से। अब मैं इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर 0 के अंदर, पहले इंडेक्स नंबर 0 पे क्या था, 1 था, उस इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर जो है ना मैं वैल्यू को चेंज करके 100 पुट करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, लिस्ट फिर इस ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर इक्वल टू उसके बाद जो नया नंबर लाना चाह रहे हैं वो, ठीक हो गया, और L1 को प्रिंट कर दो, तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या प्रिंट होगा, 1, ठीक हो गया। उसके बाद अपेंड, व्हाट इज अपेंड, अपेंड मींस यानी कोई भी वैल्यू लिस्ट के जो है ना आखिर में जाके जुड़ना, आखिर में एड होना, तो उसके लिए क्या है, लिस्ट का नाम लिखो फिर पॉइंट उसके बाद अपेंड कीवर्ड, अपेंड कीवर्ड, और इस ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है जो वैल्यू आप अपेंड करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं अपेंड करना चाह रहा हूँ स्पार्टा, और L1 को प्रिंट कर दो। अब ये देखो लास्ट में क्या हुआ, अपेंड हो गया स्पार्टा इस लिस्ट के, ठीक हो गया। अगर हम पॉप करना चाहूँ, पॉप क्या करना चाहें, पॉप, पॉप कहते हैं जी लास्ट में लास्ट वाली वैल्यू को निकाल बाहर करना, L1.pop, ठीक हो गया। अब पॉप करने से यहाँ पे ये स्पार्टा लास्ट में क्या है, हमने अपेंड किया है स्पार्टा, अब ये स्पार्टा जो है ना पॉप करने से किकआउट होगा, ये देखो, और L1 को प्रिंट कर दो, तो ये देखो स्पार्टा जो है ना यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एक और है जी रिवर्सिंग, रिवर्सिंग
रिवर्स ही मीन्स यानी जो लिस्ट है वो रिवर्स होना, यानी जो लास्ट में था वो पहले, जो पहले था वो लास्ट में, यानी बिल्कुल उलट हो जाना। ठीक है, तो L1 डॉट रिवर्स कीवर्ड, ये ब्रैकेट। ठीक है, तो ये देखो प्रिंट करो L1। ठीक, पहले 3 लास्ट में था, अभी ये 3 जो है ना फर्स्ट में आई, रिवर्स हो गया। एंड उसके बाद है जी इंसर्टिंग। इंसर्टिंग, इंसर्टिंग मीन्स यानी किसी मखसूस इंडेक्स नंबर पे कोई भी वैल्यू रखना। अपेंड करने से जो है ना लास्ट में ही ऐड होते थे सिर्फ, कोई मखसूस इंडेक्स नंबर में हम ऐड नहीं कर सकते थे। अब ये इंसर्टिंग करने से क्या होगा, मखसूस इंडेक्स नंबर पे कोई भी वैल्यू आप जाके रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इस L1 डॉट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर, क्या पाइथन L1 को प्रिंट कर दो। तो क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे पाइथन जाके इंसर्ट हो गया। ठीक, सही। उसके बाद है ये सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास एक L2 एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है जी नावियाली एप्पल, मैंगो, बनाना, इसको कोड के अंदर लिखो बनाना। ठीक है, और जो है ना गुआवा, ये हमारे पास एक सक्सेसफुल लिस्ट हमारे पास बन गया। सॉर्टिंग मतलब है जी एक सीरीज के अंदर, मिसाल के तौर पर अल्फाबेटिकली सीरीज के अंदर प्रिंट होना, वो है सॉर्टिंग। L2 डॉट सॉर्ट और ये ब्रैकेट। ठीक हो गया, L2 को प्रिंट कर दो। तो ये देखो पहले एप्पल, उसके बाद यहाँ पे मैंगो था, मैंगो से पहले क्या ये बनाना आ गया, क्योंकि बी जो है ना अल्फाबेटिकली एम से पहले आता है। ठीक हो गया, कंकेटनेटी लिस्ट, यहाँ पे मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ L3 के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर मैं रखता हूँ 1 2 3। L3 हो गया, L3। ठीक है, अब कंकेटनेट जो है ना प्लस साइन यूज करके आप कर सकते हैं कंकेटनेट। ठीक है, कंकेटनेट मतलब एक लिस्ट है उसके साथ दूसरा लिस्ट आके जुड़ना। पहले ही एक लिस्ट, पहले मेथड ऊपर मैं करता हूँ यहाँ पे L1 प्लस L2। ठीक है, L1 में क्या था, L1 किधर गया, L1 में था 3 पाइथन B2 A and 100। ठीक है, तो ये पहले आ गया, उसके बाद हमने किया कंकेटनेट L2 को। L2 में क्या है, एप्पल, बनाना, ये वगैरह। पहला ये लिस्ट आ गया, उसके साथ ये क्या हो गया, कंकेटनेट हो गया, आके क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, रिपीटिंग एलिमेंट। रिपीटिंग एलिमेंट मीन्स मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लिस्ट है L1। L1 के अंदर क्या क्या वैल्यूज है, अभी 3 B2 A ATC ATC, ये वैल्यूज हमारे पास L1 के अंदर है। अब मैं चाह रहा हूँ, या फिर L3 के अंदर क्या है, 1 2 3, L3 के अंदर 1 2 3 ये वैल्यूज है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज, अब इसको मैं 3 बार रिपीटेडली प्रिंट करना चाहूँ तो उसके लिए क्या होगा, L3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 टाइम्स प्रिंट हो गया, नहीं हो गया। ठीक, अगर आप 4 टाइम प्रिंट करना चाहो तो मल्टीप्लाई बाई 4, 5th टाइम प्रिंट करना चाहो तो मल्टीप्लाई बाई 4, 5th। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़। बाकी जो डिक्शनरी और सेट है जो है ना डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन के अंदर, टपल और लिस्ट हमने पूरा डिस्कस कर लिए। ठीक है, और अब बाकी रहते हैं डिक्शनरी और सेट्स, वो इंशाल्लाह हम कल के क्लासेस में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।